नमस्कार, इंडिया फाउंडेशन के इस पॉडकास्ट एडिशन में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल। डॉक्टर रमेश पोखरियाल भारत के शिक्षा मंत्री हैं और वे आज हमसे भारतीय शिक्षा नीति 2020 पर बात करेंगे। आइए सुनते हैं। पहले तो आपका अभिनंदन करना है और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि जो आपका चिंतन है, जो आपका मंथन है, जो आपकी सोच है, जो आपका विचार है, उन विचारों की आधारशिला पर ही ये भारतीय शिक्षा नीति जो ये 2020 आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो उन्हीं विचारों की आधारशिला पर खड़ी है। क्योंकि जब आप भारत की आधारशिला और बुनियाद की बात करते हैं तो हम लोग इसमें नहीं भूले हैं कि मेरा देश विश्वगुरु राय है, उसके बारे में एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वमस्वम चरित्रम शिक्षरण पृथ्व्यां सर्वमानवः। पूरी दुनिया के लोग, जहाँ तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे, जहाँ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी दुनिया का मनस शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता हो, ऐसा देश जिसने विविध क्षेत्रों में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया हो, आज वही अतीत को वर्तमान से जोड़कर और वर्तमान को भविष्य में शोध अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर के हम विश्व के शिखर पर, उस प्रतिस्पर्धा पर ले जाने के लिए इस नई शिक्षा नीति को तैयार हैं। जब हम इसकी बुनियाद की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम कभी इस बात को नहीं भूलते हैं कि जो मेरे देश में, जिस महान भारत में तमाम ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, ऐसे विचारक हुए हैं, चाहे वो चरक ऋषि हो जिसने आयुषोह वेदा आयुर्वेद कहा है कि आयु का विज्ञान ही आयुर्वेद है, उस जो चरक संहिता है सुश्रुत जो शल्य चिकित्सा का जनक हो, और चाहे आर्यभट्ट जो गणित में पूरे विश्व को जिसने नई उपलब्धियां दी हों, और मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो महर्षि भारद्वाज हो, वैदिक ऋषि जिन्होंने सर्वप्रथम विमानन विद्या ग्रंथ को लिखा हो, कपिल मुनि हो सांख्य दर्शन वाले, या ऋषि कणाद हो जिसने भौतिक विज्ञान और वैशेषिक दर्शन का जो परमाणु का आविष्कार की दिशा में आगे कदम बढ़ाया हो, और चाहे वो चरक हो भास्कराचार्य द्वितीय हो, चाहे भास्कराचार्य पहले हो, चाहे नागार्जुन हो, चाहे बारह मिरी हो, पतंजलि हो, मैं ये समझता हूँ कि बागभट्ट हो, चाहे वो रामानुज हो और चाहे जगदीश चंद्र बसु हो, इनके बारे में यदि हम पीछे से एक श्रृंखला को देखें तो भारत का जो वैभव था पूरी दुनिया के लिए ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, और चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो, जीवन दर्शन हो, चाहे विज्ञान हो, कोई क्षेत्र शायद ही रहा होगा दूर दूर तक जिसमें लीडरशिप पूरी दुनिया को भारत ने नहीं दी। और इसलिए अलग बात है कि वही देश जो विश्व गुरु राय है, जिस देश ने ये कहा वो अयम निजाह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानने वाला, पूरी वसुधा की चिंता करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला, और जिसने हमेशा ये कहा हो कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, जिसने सारी पृथ्वी को माँ मान करके और उस पर पैदा होने वाले हर जीव जंतु को भी अपना अंग माना हो, इस विशाल विचार के साथ रहने वाला देश प्रस्तुतिवश गुलामी की तमाम थपेड़ों को जिसने झेला, उसको उसकी जड़ों से अलग करने के जो षड्यंत्र सैकड़ों वर्षों तक हुए, आज फिर हम स्वतंत्र हैं और आज हम फिर उन जड़ों को, जिन जड़ों से हटाया गया, जिन जड़ों से हमको विमुख करने की कोशिश हुई, आज फिर अवसर आया है उन्हीं जड़ों पर खड़े होकर के विश्व के फलक पर फिर अपने ज्ञान विज्ञान अनुसंधान को लेकर के, अपने नवाचार को लेकर के, अपने जीवन मूल्यों के आधार पर खड़े होकर के आगे बढ़ने का। और इंडिया फाउंडेशन हमेशा इस बात को करता रहा है, मैं इसलिए आपका आभारी हूँ। और मुझे लगता है कि आज जब हम भारतीय मूल्यों के आधार पर खड़े होकर के ये नई शिक्षा नीति को लाते हैं तो मुझे खूब विश्वास है कि इंडिया फाउंडेशन के जितने भी हमारे
माननीय सदस्य हैं और जो अपने जीवन का तिल तिल खपा करके अपने वैचारिक दृष्टि से और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एक देश में एक नई दृष्टि पैदा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं, उन सभी सदस्यों को आज इस बात पर खुशी होगी क्योंकि जो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वे जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़े होकर के जहाँ वेद पुराण उपनिषद योग आयुर्वेद समेत तमाम वैज्ञानिक विधाओं से जुड़े समृद्ध इतिहास को वैश्विक प्रभाव में परिवर्तन करने की इच्छा शक्ति के साथ आई है, वहीं जो हमारा प्राचीनता अतीत था उसको नई शिक्षा नीति वर्तमान से जोड़ करके ज्ञान विज्ञान अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार से युक्त करके विश्व प्रतिस्पर्धा की मुकाबला करने की दृष्टि से जो लाए हैं इसमें हम गुणवत्ता परक लाए हैं, उत्कृष्टता से युक्तता लाए हैं, उदारवादी हैं, अंतिम छोर तक जाने के व्यक्ति तक कैसे करके हमको हमारी पहुंच होनी है, ये शिक्षा नीति जवाबदेही भी है, समग्र विकास की क्षमता वाली भी है और ज्ञान आधारित शिक्षा नीति है, इसमें सामर्थ्य भी और समानता भी है, मुझे लगता है समावेशी भी है और सार्वभौमिकता को भी ये प्रदान करने वाली है और मुझे भरोसा है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है ये निश्चित रूप में भारत को ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि मैं समझता हूँ कि आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में यदि हम देखें तो ये जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा की प्रणालियों में हम परिवर्तनकारी सुधारों को जो लेकर के आए हैं उसमें नई शिक्षा नीति का जो 2030 तक हम 100% स्कूली शिक्षा में जीआर करना चाहते हैं, जो 2.5 करोड़ के आसपास ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे भिन्न भिन्न कारणों से, उनको किसी तरीके से उनको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक तो हम 100% जीआर चाहते हैं, दूसरा जो 2020 तक स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में ला करके आगे बढ़ा रहे हैं वहीं हम लोग उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% जीआर करने के लक्ष्य को लेकर के चले हैं कि 50% तक हम जाते हैं तो 3.5 करोड़ नए छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश करने में ये सफलता हासिल होगी, पूरी दुनिया के लिए ये 3.5 करोड़ नए बच्चे उच्च शिक्षा में आने का ये बहुत बड़ा गौरव होगा। हम लोगों ने 10+2 स्कूली शिक्षा में टोटली चेंज किया है, ये 10वीं तक एक साथ 10वीं 12वीं तक एक ही धरने पर चल रही है शिक्षा नहीं, अब क्योंकि जो बच्चा है वैज्ञानिकों ने भी कहा विशेषज्ञों ने भी कहा हमारी कमेटी की भी संस्तुति आई कि नहीं बच्चे में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के लिए उसका मस्तिष्क का 85% तक विकास होता है और हम इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, हम खेल खेल के माध्यम से वो 3 वर्ष से लेकर उस बच्चे को और आंगनवाड़ी के साथ साथ में उसको पाठ्यक्रम देंगे और उसके बाद उसको स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 के इस पाठ्यक्रम के साथ उसकी एज के साथ उसको उभारने की लगातार हम कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा है वो उसको अपनी मातृभाषा में वो पढ़े, कक्षा 5 तक वो अपनी मातृभाषा में पढ़े, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़े, जो उसकी भाषा है उसमें उसकी अभिव्यक्ति उसका विकास पूरी ताकत के साथ होगा और इसलिए इसको 5वीं तक यदि संभव हो तो 8वीं तक और यदि संभव हो तो उच्च शिक्षा तक अपनी मातृभाषा में वो राज्य अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि भाषा की हमने किसी राज्य पर नहीं थोपा है, बहुत स्वतंत्र तरीके से कोई भी राज्य कोई भी बच्चा ये पहली बार उसको इतनी छूट मिल रही है कि कोई भी बच्चा किसी भी भाषा को ले सकता है, लेकिन हाँ हमने ये जरूर चाहे कि जहाँ प्रारंभिक भाषा उसकी अपनी मातृभाषा होगी अपनी क्षेत्रीय भाषा होगी वहाँ उसको एक भारतीय भाषा और लेनी होगी, हमारे संविधान के अनुसूची 8 में
22 भारतीय भाषाएं हैं, हम इन सभी भारतीय भाषाओं को ताकत देना चाहते हैं, सशक्त करना चाहते हैं। इनके अंदर जो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान समय है, जो इसकी खुशबू है, हम पूरे देश और दुनिया में बिखेरना चाहते हैं। चाहे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती, मराठी है, बंगाली है, चाहे वो उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, उड़िया है, ये हमारी जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, इसकी अपनी खुशबू है, इसके अपने इसके अंदर जो नॉलेज है, ये परंपराएं हैं, जो इसका अपना विजन है, जो इसकी इन शब्द उसकी शब्दों की जो आत्माएं हैं, उसमें जो समाया ज्ञान विज्ञान अनुसंधान है, हम उसको और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। और यूनेस्को ने भी लगातार इस बात का हमेशा आग्रह किया है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको यथासंभव मातृभाषा में ही होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश के अंदर आज इस बात को लेकर के लोगों में उल्लास है, उत्साह है, और हमने भाषा किसी प्रदेश पर नहीं थोपी है, लेकिन हाँ हमने कहा बच्चों को आप कैद मत करिए, दो ही भाषाओं में, एक ही भाषा में, तीन ही भाषा में उसको पकड़ करके मत रखिए, वो खुला छोड़ दीजिए, उसकी स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो जिस भी भाषा को और जितनी भी भाषाओं को पढ़ना चाहता है वो उस बच्चे पर छोड़ दीजिए। और इसलिए देश के अंदर ये पहला ऐसा परिवेश हुआ है कि भाषा को लेकर के लोगों में बहुत उत्सुकता है, और इस उदारता को लेकर के पूरे देश के अंदर एक उत्सव का माहौल है। मुझे इस बात की खुशी है, हम लोगों ने जो कक्षा 6 से शायद दुनिया का हम पहला देश होंगे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाएंगे, और हम लोगों ने तय किया है कि कक्षा 6 से ही, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। हमारे देश जहां विश्व गुरु रहे हैं वहां इसको सोने की चिड़िया भी कहते थे। ये देश धन धन्य से संपन्न रहा है, इसमें विजन की कमी नहीं रही है, मिशन की कमी नहीं रही है, संकल्प की कमी नहीं रही है, संसाधनों की कमी नहीं रही है, ये आपसी जो समन्वय है, कब कहां पर कैसे और क्या करना है, इसके जो समन्वय का है, ये नई शिक्षा नीति बेहतर तरीके से इसको आगे लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमने कक्षा 6 से सिक्स से ही हमने वोकेशनल स्ट्रीम हम साथ ला रहे हैं, ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ शिक्षणेतर गतिविधियां हैं, वो खेल है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, योग है, तमाम उसके जीवन की अतिरिक्त गतिविधियां हैं, और वोकेशनल जो उसकी व्यावसायिक शिक्षा है, इन तीनों के जो बीच खाई थी उसको हमने तेजी से पाटा है, और हम कक्षा 6 से ही उसकी जहां बुनियादी शिक्षा में हम लोग साक्षरता और संख्यात्मकता पर ज्यादा बल दे रहे, वहां कक्षा 6 से हम वोकेशनल और वो भी इंटर्नशिप के साथ ला रहे हैं, ताकि वो बच्चा अपने प्रैक्टिकल जाए, किसी दिन वो बिना सप्ताह में 2 दिन ऐसा हो जब वो प्रैक्टिकल करे, बस्ते की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिकल जा करके वहां पर क्या चीज है, उसका मस्तिष्क किस चीज को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, वो गांव में जाए, वो क्षेत्र में जाए, अपने तहसील में जाए, फिर जिले में जाए, और वहां पर क्या उत्पादन है, किसान के साथ क्या जुड़ करके कर सकते हैं, दूसरे के साथ क्या हो सकता है, जो वहां के स्थानीय उत्पाद है उसके साथ उसका कैसे जुड़ा हो सकता है, क्या उसके मन में है, और स्कूली शिक्षा से निकलने के बाद वो इतना स्किल उसके पास हो, इतना कौशल हो कि वो अपने में पैरों पर खड़े होने की ताकत रख सके, और यदि उसके बाद स्कूली शिक्षा के बाद वो आगे बढ़ना चाहता है तो उस विधा को लेकर के उसका मास्टर माइंड और तेजी और ताकत के साथ आगे बढ़ सके, ये हम कक्षा 6 से शुरू करना चाहते हैं। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जहां मूल्यांकन होता था बच्चे का, केवल अंक और अक्षर ज्ञान पर मूल्यांकन होता था, अब वो मूल्यांकन के भी हम लोगों ने टोटली जो है चेंज कर दिया है। अब ये 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के साथ उसका मूल्यांकन होगा, और वो भी मूल्यांकन वो बच्चा भी अपना करेगा, उसका अभिभावक करेगा, उसका अध्यापक करेगा, उसका साथी भी करेगा, उसका 360 डिग्री होलिस्टिक जो मूल्यांकन होगा। और फिर इसको रिपोर्ट कार्ड नहीं बोलेंगे हम, इसको प्रोग्रेस कार्ड बोलेंगे, प्रोग्रेस कार्ड, क्या प्रोग्रेस हुई है उसकी। और इसलिए इसमें भी मूल्यांकन में भी हमने आमूल चूल परिवर्तन किया है,
और जिस दिन बच्चा अपना मूल्यांकन स्वयं करना शुरू कर देगा, जिस दिन उसका साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा और उसको पता है मेरे माता पिता भी करेंगे तो मेरा साथी भी करेगा, तो मुझे भी करना है तो मेरे अध्यापक भी करेंगे, उस दिन आमूलचूल परिवर्तन आएगा उस बच्चे में। और ये हम लोग अभी तत्काल इसको हमने शुरू कर दिया है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में हम बहुत लचीलापन लाए हैं, ये आपको लगेगा कि इस सीमा तक का लचीलापन लाए हैं हम कि कोई भी विषय कोई भी छात्र कहीं से भी ले सकता है, पढ़ सकता है। वो विज्ञान के साथ वो संगीत ले सकता है, वो संगीत के साथ इंजीनियरिंग के साथ वो किसी भाषा के साहित्य के विषय को ले सकता है। हम उस पर छोड़ना चाहते हैं, हम उसको दबाव नहीं देना चाहते हैं, हम उस पर पूरी तरीके से छोड़ना चाहते हैं कि बताइए आप क्या पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मैदान खाली है, जो उसके मन में विचार आता है उस पर थोपना नहीं चाहते। पहली बार उसको इतनी आजादी मिलेगी जब वो अपने मन और मस्तिष्क के अनुरूप अपने विषयों का चयन करेगा और उसी में दौड़ भाग करके महारत हासिल करेगा। ये भी इसकी एक खूबसूरती है शिक्षा नीति की। और मैं ये समझता हूँ जहाँ हम ये लचीलापन लाए हैं वहीं हमने उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ एकाधिकार प्रवेश और निकास की भी अनुमति दे दी है। कभी वो कब चाहे वो प्रवेश करना चाहता है और जब चाहे वो निकास करना चाहता है। कई बार क्या होता है कि यदि 4 वर्ष की कोई डिग्री है और परिस्थितिवश वो 2 वर्ष में ही छोड़ करके जाना चाहता है, ये जा रहा है, उसकी परिस्थितियां उसको इजाजत नहीं दे रही हैं कि वो आगे अपनी पढ़ाई को पूरा जारी रख सके, तो वो 2 वर्ष भी उसके बेकार हो जाते थे। और उसके बाद जब वो लौट करके आना चाहता था तो वो फिर शुरू से करता था, यहाँ तो उसको फिर प्रवेश मिलता ही नहीं था, और शुरू में भी प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा बहुत मुश्किल होता था। अब हम लोगों ने नई जो व्यवस्था की है वो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया है। एक ऐसा क्रेडिट बैंक बनाया है, ऐसा क्रेडिट बैंक बनाया है, जब वो यदि 1 साल में छोड़ के जा रहे हैं तो हम उसको सर्टिफिकेट दे सके, यदि 2 साल में वो छोड़ के जा रहे हैं तो हम उसको डिप्लोमा दे सके, यदि वो 3 साल में छोड़ के जा रहे हैं तो हम उसको डिग्री दे सके, और यदि वो फिर लौट करके अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहता है तो वो वहीं से फिर पढ़ाई शुरू कर सकता है अपने क्रेडिट को लेकर के, जहां उसने छोड़ा था वहां से वो अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकता, आगे बढ़ा सकता है। और इसलिए अब वो मुक्त है, अब वो उसको भरोसा होगा, उसको ताकत के साथ करेगा कि नहीं कोई बात नहीं, यदि मैं परिस्थिति में छोड़ भी दूंगा तो फिर आकर के मैं अपने करियर को अपने भविष्य और सुधार कर सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ। और डिजिटल लॉकर्स डीजी, ये एक ऐसा डिजी लॉकर्स होगा जिसमें उसके सारी की सारी चीजें एकत्रित होंगी, उसको सर्टिफिकेट कहीं लेकर के जाना की जरूरत नहीं है, वो जहां चाहे वो अपने लॉकर से निकाले, अपने कार से निकाले, उसके सारे प्रमाण पत्र अंक तालिकाएं जहां चाहे देश और दुनिया में वो अपना निकाल करके वो प्रमाणित तरीके से जा सकता है, उसको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। ये डिजी लॉकर्स का भी व्यवस्था हम लोग लेकर के आए हैं। मुझे लगता है कि जब हम लोग इस बात को लेकर के करते हैं कि आखिर देश दुनिया के फलक पर कौन सा कारण है कि हम बहुत तेजी से उभर नहीं पाते हैं, तो हमको ये लगता है कि हम शोध और अनुसंधान में कहीं पीछे हैं। हमारा जो शोध और अनुसंधान का है वो व्यापक तरीके से अभी इसमें कठिनाई है, इसलिए हम लोगों ने अभी जो शोध और अनुसंधान की दिशा में NRF लाए हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये वैसे तो हम शोध के क्षेत्र में, स्पार्क के क्षेत्र में हम दुनिया के 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोग स्ट्राइव के तहत अंतर विषयी शोधों में जुटते हैं। हम इम्प्रिंट हो चाहे इम्प्रेस हो, विभिन्न प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में लगातार शोध और अनुसंधान को करते हैं। प्रधानमंत्री अध्येता छात्रवृत्ति, उसमें भी हम पूरी ताकत के साथ शोध और अनुसंधान में जुटे हैं। और चाहे वो ज्ञान हो चाहे ज्ञान प्लस हो, ज्ञान में हम अपनी यहाँ फैकल्टी को आमंत्रित करते हैं दुनिया की, और ज्ञान प्लस में अब हमारी फैकल्टी दुनिया में भी पढ़ाने के लिए जाएगी। इधर हमने ये कोशिश की है कि स्टडी इन इंडिया के तहत पूरी दुनिया के लोग आकर के हमारे देश में आकर के पढ़ें, हम कुछ नया उसको देना चाहते हैं। और अब इस समय स्टे इन इंडिया, स्टे के रूप में हमने
कहा है क्योंकि इस देश से 7.5 से लेकर के 8 लाख तक छात्र विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, और एक मोटा मोटा यदि हिसाब लगाया जाए तो 1 लाख करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक प्रतिवर्ष भारत का विदेशों में जाता है। हमारी प्रतिभा भी और हमारा पैसा भी हमारे काम नहीं आता है। प्रतिभा जब वो जाता है तो वो अपना भविष्य वहीं तलाशने लगता है और बहुत कम फिर इधर लौट करके आता है। पैसा भी चला गया, प्रतिभा भी चली गई, और इसलिए अब इस जो नई शिक्षा नीति आई है वो पूरी ताकत के साथ इन नवयुवकों को आह्वान करती है, जाने की जरूरत नहीं है। जो आपको दुनिया में मिलेगा वो हिंदुस्तान की धरती पर, उससे बेहतर देने की हमें मादा है। और इसलिए हमने ये कहा है दुनिया की 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों को भी हम आमंत्रित करेंगे, लेकिन हम अपनी शर्तों पर करेंगे। यहाँ उन विश्वविद्यालयों को और हम भी अपने विश्वविद्यालयों को दुनिया की धरती पर सरसाएंगे, और जो ये छात्र हैं इस छात्र को यहाँ बेहतर तरीके से शिक्षा देंगे। इस छात्र को स्टे इन इंडिया के तहत इस छात्र को ये भरोसा दिलाने में हम सफल होंगे। वैसे भी ऐसा नहीं है, पीछे के समय में लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया कि शायद अब दुनिया देश में कुछ है ही नहीं। 2013 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद शिक्षा की दिशा में बहुत व्यापक तब्दीलियां हुई हैं, परिवर्तन हुए हैं, और वैसे भी हमारी शिक्षा ऐसा नहीं है कि शिक्षा हमारी कमजोर है। मैं तो ये समझता हूँ कि आज चाहे गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, हमारी धरती से देश की धरती से मेरे IIT से पढ़ने वाले बच्चे आज अमेरिका जैसे और तमाम विकसित देशों की शीर्षस्थ कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यदि अमेरिका में ही बहुत अच्छी पढ़ाई होती तो मेरे इस IIT से निकलने वाले छात्र आज पूरी दुनिया को लीडरशिप नहीं देते। इसका मतलब सीधा अर्थ है कि हमारी जो पढ़ाई है, जो हमारा स्तर है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, और हम और तेजी से इस माहौल को बनाएंगे, बढ़ाएंगे, और जो अवस्थापनाओं का विकास करना है इसको हम तेजी से और आगे दौड़ाएंगे। वैसे भी हम लोगों ने IOE जो उत्कृष्ट कोटि के संस्थान है उसमें 20 ऐसे संस्थान जो 10 सरकारी और 10 गैर सरकारी प्राइवेट के और 10 पब्लिक के, ऐसे 20 संस्थान ऐसे हैं जो दुनिया के शीर्ष पर हमको चाहे QS रैंकिंग हो चाहे टाइम्स रैंकिंग हो उसकी फलक पर ले जाने के लिए हम तेजी से उस पर कार्रवाई पर जुटे हुए हैं, और अगले 30 को हम और करेंगे। कम से कम 50 IOE ऐसे संस्थाएं होंगे जो विश्व के शिखर पर पहुंचेंगे। इधर हम लोगों ने हीफा के माध्यम से अवस्थापनाओं के विकास के लिए 1 लाख करोड़ 2022 तक हम उस पर खर्च करेंगे, और जो अवस्थापनाओं का विकास है चाहे विश्वविद्यालय है चाहे हमारे राष्ट्रीय महत्व के सारे संस्थान है इनको और विकसित करेंगे, इनमें सीटों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने ये तय किया है कि हम उच्च शिक्षा में एक आयोग की स्थापना करेंगे, क्योंकि कभी UGC कभी AICTE कभी NCTE और लोग परेशान हो जाते थे। अब एक छत के नीचे एक आयोग उच्चतर शिक्षा आयोग बनेगा, उस आयोग के तहत ये 4 काउंसिल बनेगी। उन चारों काउंसिल का अलग अलग काम होगा, एक का काम केवल पाठ्यक्रम को तैयार करना, उसके मानकों को तैयार करना होगा, दूसरी काउंसिल को उसको क्रियान्वित कराना का होगा, तीसरी काउंसिल का काम केवल मूल्यांकन करना होगा कैसे करके मेरे इन संस्थानों का मेरे विश्वविद्यालयों का स्तर कैसे बढ़ सकता है, और चौथे का काम बजट का होगा जो केवल अनुदान से संबंधित होगा। वैसे भी ये शिक्षा का क्षेत्र यदि देखा जाए तो आज हिंदुस्तान ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से भी अधिक या डिग्री कॉलेज हैं, यहाँ 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं,
और कुल अमेरिका की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे भी ज्यादा यहाँ छात्र छात्राएं हैं, 33 करोड़ से भी अधिक हिंदुस्तान की छात्र छात्राएं हैं। और अब आगे 25 वर्षों तक तो मेरा हिंदुस्तान यंग इंडिया रहने वाला है, जो हमारी ये युवापन है ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने अनेक बार कहा मुझे नए भारत का निर्माण चाहिए, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, समृद्ध भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो और एक भारत हो। ये जो आत्मनिर्भर भारत है, जो श्रेष्ठ भारत है, जो एक भारत है, जो स्वच्छ भारत होगा, जो स्वस्थ भारत हो, जो समृद्ध सशक्त भारत होगा, उसकी आधारशिला बनेगी। पीछे के समय में देश के प्रधानमंत्री जी ने जब सारे हमारे कुलपतिगण से सीधे बात की थी, सारे शिक्षाविदों से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी होगी और उस 21वीं सदी जो नए भारत के निर्माण की हम बात कर रहे हैं, उस नए भारत के निर्माण की आधारशिला ये नई शिक्षा नीति होगी। और हर हालत में ये ज्ञान की महाशक्ति जो बनेगी हिंदुस्तान, इस शिक्षा नीति से होकर के वो गुजरेगी। इसमें हम तमाम जितनी भी खाइयां थी, जितने गहरे गड्ढे थे, उनको पाटते हुए इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए हम लोगों ने ये जो संबद्धता का है, स्वायत्तता का है, इसको भी हमने बहुत स्पष्ट किया है। हम स्वायत्तता के पक्षधर हैं। हमने ये कहा है इन संस्थानों को पूरी छूट होनी चाहिए, दौड़ने की छूट होनी चाहिए। और इसलिए अभी 45,000 डिग्री कॉलेजों में से लगभग 8,000 डिग्री कॉलेज तो हमारे ऐसे हैं जिनको स्वायत्तता है, लेकिन हम चरणबद्ध तरीके से इनके मूल्यांकन, नैक के माध्यम से इनके मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन करते हुए पहले उनको बी को पहले तो सभी का लगातार लगातार मूल्यांकन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी तक तो लोग कभी मूल्यांकन ही नहीं कराते थे, तो मूल्यांकन के आधार पर बी को ए मिलाएंगे, ए को ए प्लस में ले जाएंगे, ए प्लस को हम ए प्लस प्लस में लेकर के जाएंगे। जैसे जैसे इनकी क्षमता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इनकी अवस्थापना बढ़ती जाएगी, ये अपनी स्वायत्तता की ओर बढ़ते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बहुत सारे संस्थान स्वायत्त शासित संस्थानों को आगे बढ़ाएंगे, अपनी छलांग पूरी दुनिया में मारेंगे और एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। विश्वविद्यालयों को भी जब मैं देखता हूँ, अभी जब मैं पीछे के समय में एक विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में गया था, तो मैंने कुलपति जी से पूछा कुल कितने, जब उन्होंने कहा कि आज 2.5 लाख लोगों को हम डिग्री देंगे, तो मैंने उनसे पूछा 2.5 लाख लोगों को डिग्री देंगे, ये कितने वर्ष पुराना है? बोले नहीं साहब, ये तो इसी वर्ष का है, एक वर्ष में ही 2.5 लाख। उन्होंने बताया यहाँ सब 800 कॉलेज मेरे साथ संबंध है। तो मेरी समझ में आया कि ये जो 800 कॉलेज एक विश्वविद्यालय से संबंध हो रखे हैं, उनका स्तर बहुत अच्छा नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि 800 तो प्रिंसिपल का नाम भी याद नहीं रहेगा, 500 का ही नाम नहीं रहता, 200 का ही नाम नहीं रहता याद, फिर उनकी गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, वो कैसे करके अपनी शिखरता को चूमेंगे। और इसलिए जो नई शिक्षा नीति, इसमें हमने कहा कि क्रमवाइज समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे। और एक विश्वविद्यालय 300 से अधिक संबद्धता नहीं रखेगा का मतलब हमको कुछ नए विश्वविद्यालय लेकर के आना पड़ेगा पूरे देश के अंदर। और जो स्वायत्त शासी जो हमारे कॉलेज हैं, जो समृद्ध कॉलेज हैं, उनको स्वायत्त बनाना होगा। और ये भी एक अभियान के तहत हम लोगों को आगे बढ़ना है। शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता को लाने के लिए नवोन्मेष को बढ़ावा देना और संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से जो स्वतंत्रता देने की, स्वायत्तता देने की बात है, उसमें हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हम चाहते हैं कि ये युग, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जब पीछे के समय में ये कहा था कि नए भारत का निर्माण चाहिए, और जो अभी मैंने कहा कि जो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, उसको एक आदर्श भारत को करने के लिए जो रास्ता है वो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप। मेक इन इंडिया क्यों नहीं, आखिर मेक इन चाइना क्यों, मेक इन जापान क्यों? पूरी दुनिया में हमारी प्रतिभा का तो लोहा सारे लोग मानते हैं। इसलिए इस देश में एक ऐसा प्रवेश बनना चाहिए कि अब ये मेक इन इंडिया, और इस दिशा में तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। स्किल इंडिया,
हमारा हमारे हाथों में हमारा कौशल बढ़े, और डिजिटल इंडिया हमारा कौशल कैसे करके बढ़े और डिजिटल इंडिया कैसे बने, इसलिए जो प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए इस शिक्षा नीति में विशेष करके और प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो सकता है, इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसको और तेजी से आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र के व्यापक उपयोग के लिए इसने नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का एक गठन करेंगे हम, और इस फोरम का गठन करने के बाद प्रौद्योगिकी को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट चला, ऐसी महामारी के संकट में हमारा देश भी अछूता नहीं रहा, और आप समझ सकते हैं कि 33 करोड़ छात्र छात्र अचानक अपनी सुरक्षा की दृष्टि घर पर कैद हो जाए, और चले 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह तो समझ में आता है, लेकिन लगातार आगे बढ़ता चला जाए, जिसके अंदर ऊर्जा होती है, जो 1 मिनट भी बैठ नहीं सकता छात्र छात्राएं, जो जो अपनी ऊर्जा को बाहर निकालना चाहता है, उसको न खेल मिल रहा है, खेलने को मिल रहा है, न कहीं जाने को मिल रहा है, और न पढ़ने को मिलेगा, तो वो क्या परिस्थिति से होकर के गुजरता हो बच्चा। लेकिन हमने कोशिश की कि इन 33 करोड़ छात्र छात्राओं को अध्यापक और अभिभावक की मदद से ऑनलाइन शिक्षा पर हम लेकर के गए हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि दुनिया का शायद हम पहला देश होंगे जो करोड़ों 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 छात्रों को एक साथ ऑनलाइन पर शिक्षा देने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए हैं, और अब हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। हम जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म और वन क्लास वन चैनल, इनको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमको मालूम है कि इन परिस्थितियों में जबकि हम स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, और बहुत सारे छात्र अभी ऐसे हैं जो बहुत दूरस्थ क्षेत्र में हैं, उनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं होगा, उनके पास नेट की सुविधा नहीं होगी, वो उस छात्र तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। हमारे सामने तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हम हर कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने कहा स्वयं है, स्वयं प्रभा है, हमारी दीक्षा है, ई पाठशाला है, इनके माध्यम से जैसे ई पाठशाला दीक्षा, इसमें 15 भाषाओं में हमारा पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। हमारा जो स्वयं है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के लोग उसको विजिट कर रहे हैं, और उसको और सामर्थ्य हम बढ़ा रहे हैं। जो स्वयं प्रभा है ये 32 चैनलों का है, जो 24 घंटे हम डिश टीवी पर चलाएंगे, हम लोग टाटा स्काई पर उसको 24 घंटे इन टीवी को चलाएंगे, और जो 32 चैनल है उस 32 चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम अपने बच्चे को आगे जो जो जिसके पास वो संसाधन नहीं है वो उसका उपयोग कर सकता है। हम सामुदायिक रेडियो के माध्यम से उसका प्लान बना रहे हैं, काफी कुछ हद तक हम उस तक पहुंच गए हैं। अब शायद जो कमी रही है उसको भी हम लगातार पाटने में जुटे हुए हैं, और इसलिए जो ये ऑनलाइन जो एजुकेशन है, शायद ये भी दुनिया का हम पहला देश होंगे जिन्होंने 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। जो NIRF में 1000 विश्वविद्यालय से हम टॉप 100 हैं, वो टॉप 100 विश्वविद्यालयों को हम ये ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसका निर्णय हमने लिया है। और मुझे लगता गंतव्य बनेगा तकनीकी के क्षेत्र में, जो हमारे IIT हैं, हमारे IIIT हैं, हमारे NIT हैं, हमारे ICER हैं। अभी जब पीछे के दिनों में जब ये कोविड का जो समय चल रहा है, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे नौजवानों से आह्वान किया था कि बताओ तुम इन चुनौती भरे समय में क्या कर सकते हो। मुझे कहते हुए बहुत गौरव महसूस होता है कि मेरे IIT के छात्रों ने, मेरे विश्वविद्यालयों के छात्रों ने, जब लोग अपने घरों पर सुरक्षित सुरक्षा की दृष्टि से भी अपने घरों में रहे होंगे, तब वो प्रयोगशालाओं में जूझ रहे हैं, प्रयोगशालाओं में काम करके उन्होंने चाहे वो मास्क हो और चाहे वो टेस्टिंग किट हो और चाहे ड्रोन हो,
चाहे वो वेंटिलेटर हो, नए नए उपकरण तैयार किए हैं कम सस्ते दर में, अंतरराष्ट्रीय स्तर की चीजों को उत्पादित किया। और अब तो कई अभी हमारे दिल्ली के आईआईटी ने पीछे के दिनों में हमने एक कंपनी के साथ उन्होंने मिल करके एक स्टार्टअप चलाया है। अभी दुनिया को हम वो दे रहे हैं जो दुनिया से लेते थे, अब हम दुनिया को देने की स्थिति में खड़े हो रहे हैं। इसलिए हमने ये आईआईटी का जो पाठ्यक्रम है उद्योगों के साथ मिलकर के किया है। उद्योग और आईआईटी वो बताएं अभी तक क्या हो रहा था कि जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं वो उस उद्योग को जरूरत नहीं, जो उद्योग को जरूरत है वो इधर पढ़ाया नहीं जा रहा है। इन दोनों में बहुत बेहतर समन्वय कैसे हो सकता है, इसकी जरूरत थी। मेरी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी जी आ रही है, आ रही है। तो अभी अभी जो हमारे आईआईटी हैं, उन आईआईटी को उद्योगों के साथ जोड़ करके हम उनके अनुरूप पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। हम उनके अनुरूप पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे और वो जो छात्र है वो लगभग 50% उन उद्योगों में प्रैक्टिकल देगा। वो उद्योग भी उसकी प्रतिभा का साथ लेकर के उसको शिखर पर पहुंचाएंगे और ये छात्र भी अपने पढ़ते हुए अपने कौशल का विकास करेगा, अपनी प्रतिभा को रेगुलर प्रैक्टिकली रूप में आगे बढ़ाएगा। इसीलिए अभी हम लोगों ने युक्ति पोर्टल बनाया। वो युक्ति पोर्टल पर जितने भी शोध और अनुसंधान इस बीच हुए हैं सब युक्ति पोर्टल पर जाएंगे। आप भी जब युक्ति पोर्टल का विजिट करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, गौरव महसूस होगा कि कोविड के दौरान ही हमारे बच्चों ने किस सीमा तक शोध और अनुसंधान किए हैं। इधर हमने युक्ति 2 को ऐसा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जब हमारे बच्चों के जो आइडियाज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आए। हमारे हजारों हजारों जो आइडियाज हैं हमारे बच्चों के बहुत खूबसूरत आइडियाज हैं, वो हम मेरा कोई व्यापारी हो, उद्योगपति हो, किसान हो, वो उसका विजिट कर सकता है, उस आइडिया को लेकर के, उस छात्र को लेकर के अपने गांव में उन चीजों को बढ़ा सकता, अपने शहर में उन चीजों को स्थापित कर सकता है। और इसलिए हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं कि किस तरीके से हम जो ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इस बड़ी संपत्ति को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि यदि आप नेट सेल में मैं ये कहूं कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श हुआ होगा, शायद ही कभी किसी नीति पर इतना व्यापक परामर्श हुआ होगा। यहां 2.5 लाख ग्राम समितियों से परामर्श हुआ, इस देश के 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से परामर्श हुआ, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और अध्यापकों से, 1 करोड़ से अधिक अध्यापकगण और विशेषज्ञों से और शिक्षाविदों से परामर्श हुआ, 33 करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों से सीधा परामर्श हुआ, जनप्रतिनिधियों से, देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से, सभी मुख्यमंत्रीगण से व्यक्तिगत भी बातचीत की, और सभी सांसदगण का सुबह से लेकर के शाम तक प्रदेश वाइज हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की, विशेषज्ञों से, वैज्ञानिकों के, समाजशास्त्रियों से, कोई क्षेत्र हमने ऐसा नहीं छोड़ा जिससे हमने सुझाव नहीं लिए। और इसके बावजूद भी जो मसौदा आया उस मसौदे को हमने पब्लिक डोमेन में डाला, और पब्लिक डोमेन में डालने के बाद 2.25 लाख सुझाव फिर आए देश और दुनिया से। उन 2.25 लाख सुझावों को भी 2 अलग-अलग सचिवालय हमने बनाए, स्कूली शिक्षा के लिए एक अलग सचिवालय, उच्च शिक्षा के लिए दूसरा सचिवालय, 15-15, 20-20 विशेषज्ञों की कमेटियों को बना करके एक एक सुझाव का विश्लेषण करने के बाद, और तब जाकर के ये जो नई शिक्षा नीति आई है ये तमाम मंथन के बाद आई है। कल मुझे एक पत्रकार मित्र एक संवाद में सीधा जो लाइव चल रहा था उन्होंने बोला आपने क्या जादू कर दिया, पहले तो लोग बोलते थे कि कोई शिक्षा नीति आती थी ये तो भगवाकरण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि जिन्होंने कुछ बोलना था उनके सब सुझाव इसके अंदर हैं, हमने किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा,
आज भी मैं कह सकता हूं, जो आदमी बोलेगा मुझे नहीं पूछा, मेरे पास 2 लाख, बाकी तो संवाद हुआ ही, लेकिन आज भी मेरे पास 2 लाख प्रमाण है। 6 महीने तक लोगों को बोला बाद में मत बोलिएगा कि हमको पूछा नहीं गया। 6 महीने तक मैं रोज 1 सप्ताह में याद दिलाता था लोगों को कि देश के लोगों, दुनिया के लोगों, यदि आपको चिंता है इस देश के में शिक्षा परिवर्तन होना चाहिए, इस पीढ़ी को नए रास्ते पर आना चाहिए, देश को सशक्त होना चाहिए, प्लीज आप अपने सुझाव दीजिए। तो कोई ये नहीं कह सकता आज देश के अंदर कि उसको कोई गांव का प्रधान से लेकर के, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो कदम कदम पर मार्गदर्शन मिला, हर कदम पर एक एक शब्द उनसे होकर के गुजरा, आप समझ सकते हैं। और ग्राम प्रधान से लेकर के, गांव से लेकर पार्लियामेंट तक, आप समझ सकते हैं कि कोई क्षेत्र हमने नहीं छोड़ा। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार रहा होगा, किसी आज तक किसी नीति में, दुनिया की किसी भी नीति में इतना बड़ा परामर्श शायद ही हुआ होगा। और इसलिए जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें नेशन फर्स्ट करेक्टर मस्ट, करेक्टर चाहिए हमको, नेशन फर्स्ट करेक्टर मस्ट, ये इसकी आत्मा है। और इतना ही नहीं, तो हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम के लिए हम विश्व मानव बनाएगी ये शिक्षा नीति, और सर्वे भवन्तु सुखिनः के उसकी खुशबू को भी सरसाएगी, जहाँ विश्व बंधुत्व को और मजबूती देगी, वहां सर्वे भवन्तु सुखिनः की उस खुशबू को भी बिखेरने में सक्षम होगी। ये लोकल भी होगी, ये ग्लोबल भी होगी, इसमें लोकस भी होगा, इसमें फोकस भी होगा, इसमें टैलेंट भी होगा, इसमें पेटेंट भी होगा, इसमें कंटेंट भी होगा, और रिलीवेंट भी होगा। ये सभी से जुड़ी हुई शिक्षा नीति होगी, ये टैलेंट को भी पैदा करेगी और टैलेंट का विस्तार भी करेगी। और यदि मैं ये कहूं कि ये शिक्षा नीति को मैं 5 आई में बांट दूं कि ये इंडियन होगी, इंटरनेशनल होगी, इंटरैक्टिव होगी, इंपैक्टफुल होगी और इंक्लूसिव होगी, ये भारतीय भी होगी, तो ये अंतरराष्ट्रीयकरण भी होगा इसका, तो ये संवाद से जुड़ी होगी, ये प्रभावशाली भी है, तो ये समावेशी भी है। ये है मेरी शिक्षा नीति, ये है आपकी शिक्षा नीति, क्योंकि आप लोग हमेशा इसी पर चिंतन मंथन करते रहे। मुझे मालूम है जितना मैं आप लोगों को जान सका हूं, पीछे के समय से राम माधव जी से तो मेरा लगातार संवाद रहा है, मेरा शौर्य से लगातार संवाद रहा है, और मैं आप लोगों को जो आपका चिंतन मंथन चलता रहता है, आपको खुशी होगी। और इन सिद्धांतों को आगे रखकर हमने नई शिक्षा नीति बनाई है कि इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस, इसमें समानता, उत्कृष्टता, पहुंच, इन तीनों की आत्माओं को इसमें जोड़ा, इसकी आधारशिला पर हमने इसको खड़ा किया है। और इसलिए मैं समझता हूं बहुत, ये केवल शोध के लिए शोध नहीं होगा, बल्कि वो शोध अनुसंधान और नवाचार के साथ धरती पर क्रियान्वित करने का काम होगा। और इसलिए हर क्षेत्र में वो मेरे इस शिक्षा में कंटेंट भी होगा और पेटेंट भी होगा, केवल कंटेंट ही नहीं होगा, इसको हम पेटेंट भी करेंगे। ये हमारी है, पहली बार भारत की अपनी शिक्षा नीति आई होगी देश की आजादी के बाद, बल्कि मैं ये समझता हूँ लॉर्ड मैकाले के जाने के बाद, सदियों की गुलामी के बाद, ये भारत की अपनी अपनी शिक्षा नीति आ रही है। और इसीलिए पूरा देश गौरवान्वित हो रखा है, देश के लोगों के मन के अंदर बहुत उत्साह है। और क्योंकि अनुसंधान की, जिसकी मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि एक वक्त था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तब हम सीमाओं पर जूझ रहे थे, बहुत संकट में थे, इधर खाद्यान्न का संकट था, उधर सीमाओं का संकट था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश के लोगों को जय जवान और जय किसान का नारा दिया, पूरे लोग खड़े हो गए और दोनों संकटों का हमने मुकाबला किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया, अटल जी ने कहा कि अब विज्ञान की जरूरत है, और उन्होंने जय विज्ञान कहकर के पूरी दुनिया को चौंका दिया था। जब परमाणु परीक्षण करके उन्होंने कह दिया था हिंदुस्तान अपनी, हिंदुस्तान जो है अपनी महाशक्ति के रूप में है, हिंदुस्तान किसी से दबने वाला नहीं है। और उसमें मुझे उसके व्याख्यान करने की जरूरत नहीं कि देश में कितना बड़ा बदलाव आया, दुनिया के लोगों ने हमारे बारे में सोचने का पूरा मतलब भी बदल गया था दुनिया के लोगों को। और जो आप वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री आए हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अब
जय अनुसंधान का एक नया नारा दिया। उन्होंने कहा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के बाद अब जय अनुसंधान है। अनुसंधान की जरूरत है हमको। हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे बड़ी संस्थाएं हैं, वो विश्व फलक पर चाहे क्यूएस रैंकिंग है और चाहे टाइम्स रैंकिंग है, जब हम समीक्षा करते हैं तो लगता है शोध और अनुसंधान में थोड़ा सा पीछे रह गए। और इसलिए अनुसंधान में पूरी ताकत झोंकेंगे हम, उस खाई को भी समय पाटेंगे और बिल्कुल नवाचार के साथ, नए अनुसंधान के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसीलिए एनआरएफ ला रहे हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को ला रहे हैं, ताकि शोध की यहाँ संस्कृति बहुत तेजी से बढ़ सके। और हम अपने अतीत को, जिनके बारे में अभी मैंने शुरू में ही कहा कि क्या था हमारा अतीत, उस अतीत को भी पकड़ करके भविष्य के साथ तेजी से दौड़ना, ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के साथ उसको आगे बढ़ाना, विश्व के फलक पर, विश्व के शिखर पर लेकर के जाना। जब लोगों को हम पर गर्व हो सके, हम प्रौद्योगिकी में, हम तकनीकी के क्षेत्र में, हम विज्ञान के क्षेत्र में, हम अनुसंधान के क्षेत्र में, हम ज्ञान के क्षेत्र में, पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया के शीर्ष पर आकर के खड़ा होता है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो शिक्षा नीति है ये बहुभाषी भी है और आशावादी भी है और निष्ठावादी भी है, इनमें सब कुछ समाया हुआ है। ये उत्तर से दक्षिण को, पूर्व से पश्चिम को जोड़ती है और आज जो बनी भाषाओं की संकीर्ण सीमाओं को भी तोड़ती है। यदि आप इस शिक्षा नीति को देखेंगे तो कस्तूरी रंगन जी जो पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण है और जो इसरो के चेयरमैन रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बहुत बड़े शिक्षाविदों के साथ उनकी संस्तुति आई है, लगातार परामर्श के बाद आई है। मंजुल भार्गव पूरी अमेरिका को छोड़ करके मंजुल ने पूरा का पूरा समय यहाँ दिया है। हमारे बहुत सारे एक के बाद यदि मैं नाम गिनाऊं तो ऐसे लोग थे जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अपने तिल तिल खपाया है। उसके बाद ये शिक्षा नीति आई है। मुझे भरोसा है हम लोगों ने पहले चरण में अभी कल ही राष्ट्रपति जी ने अधिसूचना जारी करके पहला काम शुरू कर दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया। कल से अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, शिक्षा मंत्रालय हो गया। काम हमने शुरू कर दिया तेजी से। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम ये नीति बना करके इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप पहले नीति बनाएंगे फिर उसको नीचे तक ले जाने का रास्ता बनाएंगे। हम साथ साथ रास्ता बनाते हुए आए हैं, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। उन्होंने सभी शिक्षाविदों को आह्वान किया, मैं चट्टान की तरह आपके पीछे खड़ा हूं। जिन लोगों को तनिक भी संकोच है, शंका है कि पता नहीं क्रियान्वित होती कि नहीं होती है, उनकी शंकाओं को जड़मूल खत्म करना हमको, हमको बहुत तेजी से इस शिक्षा नीति को नीचे के स्तर तक लेके जाना है और उसमें हमने काम करना शुरू कर दिया है। जो आज आपका ये संवाद हो रहा है, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। और मुझे लगता है कि जो आपने बहुत लंबे समय से परामर्श किया होगा, आपके मन में तमाम तमाम उतार और चढ़ावों से होकर के आप लंबे समय से गुजर रहे हैं, मैंने इस शिक्षा नीति का संक्षिप्त रूप आपके सामने प्रकट करने की कोशिश की है। यदि आपके मन में कभी ऐसी कुछ बातें आएंगी, हम उन बातों को फिर भी बांट सकते हैं। और अभी हम मैदान पूरा खाली है, क्योंकि अभी जो पाठ्यक्रम बनेगा, जो करिकुलम बनेगा, उसमें पूरा का पूरा हमारी तमाम संभावनाएं भी आज हमने सभी संभावनाओं को खोल करके रखा है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये शिक्षा नीति निश्चित भारत के नए भविष्य का उदीमान करेंगी। ये जो मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा नए भारत के निर्माण की, और वो भारत, वो जो स्वर्णिम भारत होगा, उस स्वर्णिम भारत की ये आधारशिला लेकर के ये नई शिक्षा नीति 2020 आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आपने मुझको याद किया, मैं आपका आभारी हूँ। एक बार मैं पुनः आपको हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और आप जिस गति से, जिस मिशन के साथ, जिस मंथन के साथ आप इस भारत की बुनियाद को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि
शिक्षा का औपनिवेशीकरण हम कैसे कर पाएंगे, इसका कोई रोड मैप अगर आप दे सकें तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा और हम सब भी इस बात को आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। नमस्ते मंत्री जी, मैं सिंगापुर से अतुल तिमोरनिकर बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन की स्थापना की है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2013 में हम लोगों ने सारे साउथ एशियन देशों में स्कूल्स किए हैं, और 2013 में जो आज के क्राउन प्रिंस जापान के वो आए थे, वो इसलिए आए थे कि वो बोले कि हमें भारतीय शिक्षा जो यहाँ दे रहे हैं आप लोग जापानी स्टूडेंट्स को, उसका हमें उदाहरण देखना है। मैं आपको खुशी ये बताना चाहता हूँ कि भारत की हमारी जो पाठशाला है जापान में टोक्यो में, वो आज जापनीज क्वालिटी के तौर पे आज 9th रैंकिंग, CBSE की 9th रैंकिंग पूरे वर्ल्ड की ली है। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि एक तरह से हमारा भारतीय टैलेंट को डेवलपमेंट के लिए जो आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है, उसी तरह से बाहर विदेशों के बच्चों को डेवलप करने के लिए कोई नीति का अगर आपको विचार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि नई शिक्षा नीति सचमुच में एक बहुत ही परिवर्तनशील और उत्साहजनक पॉलिसी है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है जमीन पर महोदय, वो ये है कि हमारे उच्च संस्थानों में, ज्यादातर विश्वविद्यालयों में, जो प्रशासनिक संकट है उसको सुलझाने के लिए प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज में जो निपुणता को छोड़ के हम सिर्फ राजनीति में फंसे हैं, और शिक्षा नीति में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि हम संस्थानिक संशोधन भी करें और नेतृत्व बढ़ाएं, नेतृत्व की हम समृद्धता को बढ़ाएं। तो मेरा पहला सवाल ये था कि नौकरशाह भी उपेक्षा करते हैं जब समस्या उनकी उनके तरफ हम भेजते हैं कि देखिए यहाँ एक संकट चल रहा है, तो हमारी सुनवाई नहीं होती। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी को छोड़ के विश्वविद्यालयों में, खास करके IITs में नहीं, मैंने IIT में भी पढ़ाया है, और IIT सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मजबूत है, उसमें कोई दखल नहीं होती। तो पहला सवाल तो ये था कि हम एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब मैं कहूँगा निर्मल और क्लीन करें, अभी तो सारा पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है। दूसरा मेरा सवाल अल्पसंख्यक संस्थानों को लेकर था। बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कई बहुत अच्छे जो कॉलेजेस हैं वो अल्पसंख्यक हैं, तो उसमें जो एडमिशन्स होती हैं तो अल्पसंख्यक लोगों को ज्यादा मात्रा में प्रवेश मिलता है 50% तक, मगर जो उनका फंड है, शिक्षकों की सैलरीज जो जाती हैं, अनुदान सारा गवर्नमेंट से है, तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ एक विडंबना है कि पैसा पूंजी तो सारा गवर्नमेंट से आता है और प्रोत्साहित किसी अल्पसंख्यक या किसी ऐसे विचारधारा को किया जाता है जो मतलब जन समुदाय के हित में नहीं है, कभी कभी ऐसे मुझे लगता है। और शिक्षा नीति में, मैंने पूरी शिक्षा नीति बारीकी से पढ़ी है, अल्पसंख्यक संस्थानों पे कोई उसमें चर्चा नहीं। और आखिरी मेरा सवाल ये था निजीकरण के बारे में। अब हमारे यहाँ क्या है कि अभी ओवर रेगुलेशन एंड अंडर रेगुलेशन, यानी जो सरकारी संस्थाने हैं वहाँ ओवर रेगुलेशन हम महसूस करते हैं, और जो प्राइवेट है, कई प्राइवेट संस्थाएं हैं उसमें कोई रेगुलेशन ही नहीं है, तो ये क्रीपिंग प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारे नेशनल एसेट्स हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हैं, वो हमारे पूरे राष्ट्र की धरोहर है, संपत्ति है, और उनका डिक्लाइन हो रहा है ना, उनको खराब किया जा रहा है, तो इस पे भी हमें विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पहला तो जो शिक्षा के बारे में, रोड मैप के बारे में जो चर्चा हुई है, मैं उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा आपने जब बातचीत कर रहे थे कि हमारा रोड मैप स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा का पूरा तैयार है, उस पर काम शुरू हो गया। कुछ काम हमने पहले ही नीति पर जब चर्चा हो रही थी तभी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था, अभी हम लोगों ने उस पर बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया,
अब वो स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा का रोड मैप बिल्कुल तैयार है, वो अंतरराष्ट्रीय फलक तक का भी तैयार है। दूसरे में आपने अतुल जी सिंगापुर से ये कहा था कि जो विदेशी हमारे सीबीएसई बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड के इस समय दुनिया में लगभग 500 से भी अधिक स्कूल हमारे चल रहे हैं और उनकी बहुत मांग है। हमारी दुनिया में जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं उसके माध्यम से हम अपना पाठ्यक्रम उनको देते हैं और कुछ पाठ्यक्रम उस देश का भी उसमें समाहित करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये हम लोगों ने शुरू किया इसकी भी बहुत तेजी से मांग है और हमारा सीबीएसई बोर्ड पूरे देश के लिए नहीं दुनिया के लिए एक आइकॉन है जो शिक्षा का उसका स्तर है। जो 6% जीडीपी की आपने चर्चा की है, हम लोग राज्य, क्योंकि शिक्षा राज्यों का विषय होता है और इसलिए 6% जीडीपी अभी तो कोई राज्य 2% तक पर ही है, लेकिन हम लोग मिलकर के केंद्र और राज्य मिलकर के इसको जीडीपी का 6% पर ले जाएंगे। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी तो उस समय का ये जो 6% है ये बहुत ऊपर होगा, इसलिए हम उस को भी पूरा करेंगे जो 6% जीडीपी का शिक्षा में व्यय करने का विषय आया है। आपने वाजपेयी जी आपने कहा कि परिवर्तन होता है, आपने विश्वविद्यालयों में कहा कि राजनीति होती है और स्वायत्तता, ये विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता है और आप तो स्वयं प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं, मुझे तो सवा साल यहाँ पर इस शिक्षा मंत्रालय में हो गया, मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि उस पर कभी ये अनावश्यक दबाव हुआ, बल्कि हम तो उनको कहते हैं आप स्वायत्त क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको कठिनाई क्या है, हम तो यहां से और खटखटाते हैं। इसलिए ये दूसरी चिंता आपकी जरूर हो सकती है कि लोकल स्तर पर जो राजनीति होती है वहां के कुलपति जो होता है उनको और सशक्त होना चाहिए। इसलिए हमने अभी लीप प्रोग्राम रखा है कि जब भी विश्वविद्यालय में कुलपति जाता है, क्योंकि ये अकेडमिक होते हैं तो प्रशासन की जो छोटी छोटी परेशानियां आती हैं उसमें कई प्रकार की जो है कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है, तो वो उन कठिनाइयों को कैसे करके वो पारदर्शी तरीके से समाधित कर सकता है। लीप प्रोग्राम हमने रखा, हमारे जितने डायरेक्टर हैं जितने हमारे कुलपति हैं उनको लीप प्रोग्राम, उनकी क्षमता जो नेतृत्व क्षमता के रूप में कैसे और विकसित हो सकते हैं हम लगातार उस पर संवाद कर रहे हैं। लेकिन हमारे सब विश्वविद्यालय पूरी तरीके से स्वायत्त हैं, किसी प्रकार का उन पर कोई हस्तक्षेप नहीं हम लोग करते हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों के बारे में आपने चर्चा की है, लेकिन उस पर भी आप लगातार आपने कहा कि इस वे पॉलिसी में नहीं है, पॉलिसी को आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा अल्पसंख्यक के बारे में, संस्थानों के बारे में भी कहा कि उसका जो पाठ्यक्रम होगा, जो उसकी टारगेट होगी, जो उसका वो होगा, क्योंकि वो कार्यक्रम है जो कार्यक्रम पहले से चले आ रहे हैं, हमने उनको नहीं छेड़ा जो कार्यक्रम, और यदि उनको हम ठीक से करेंगे तो कार्यक्रम कोई खराब कार्यक्रम नहीं है, उसको भी हम और सशक्त तरीके से करेंगे। और जो आपने निजी विश्व निजीकरण की बात की है और आपने कहा है कि वो सैलरी का भी मुद्दा होता है, तो ऐसा विश्वविद्यालय में तो कोई सैलरी का मुद्दा नहीं होता है, जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट भी संस्थान हमारे बहुत अच्छे हैं, अभी जो हमारे अन्य डीम्ड विश्वविद्यालय वो भी बहुत प्रगति कर रहे हैं और हम उस क्षेत्र में उन लोगों को भी जो शिक्षा को और व्यापक तरीके से ले जाना चाहते हैं, व्यावसायिकीकरण नहीं चाहते हम शिक्षा का, हम उसके सख्त खिलाफ हैं, लेकिन जो लोग मिशन मोड में शिक्षा को सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए हमारा पूरा मैदान खाली है, जरूर आए और आए भी हैं और भविष्य में भी आएंगे। इधर आपने जो कहा है रवि जी की अकादमियों की जो आपने चर्चा की है, हमारी हिंदी अकादमी है, हमारी तेलुगु भाषा की अकादमी है, हमारी तमिल की अकादमी है, हमारी उर्दू का अकादमी है, बहुत सारी अकादमियां हमारी हैं और जो शेष अकादमियां रहेंगी उसको भी हम, क्योंकि हम भारत की 22 भारतीय भाषाओं हम और सशक्त करने के पक्षधर हैं और हमारी वो जो भाषाएं हैं वो हमारी खूबसूरती है,
और इसको हम सशक्त तरीके से इन भाषाओं के समृद्धता के लिए और ये भाषाएं किस तरीके से और आगे हम इनको सशक्त कर सकते हैं, हम इस दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपने ट्रांसलेशन की बातचीत की है, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, बात सही है। और आपको मैंने पहले भी कहा कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है हम 15 भाषाओं में वो हमारी शिक्षा है, लेकिन जो किताबें हैं हमारी उस किताबों में सभी भाषाओं में वो अनुवाद देकर के हम करेंगे, कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। तो मुझे लगता है ये मोटा मोटा आपका जो कुछ सवाल थे, जो बचे हुए सवाल होंगे आप मुझे भिजवाइएगा और मैं उनका भी उत्तर दूंगा। लेकिन यदि आप इस शिक्षा नीति को पढ़ेंगे तो आपको खुशी होगी, आपके सवालों का सुस्फूर्त जवाब भी मिलेगा। मैं फिर एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया फाउंडेशन के इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया फाउंडेशन के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।